दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा की शुरुआत बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय परिसर में हुई। पहले दिन दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा के लिए कुल 5,670 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा के दिन 4,700 उपस्थित रहे जबकि 970 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सुबह की पाली में 9 बजे से 11 बजे तक स्नातक में बीएससी मैथ और होम साइंस की परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए 5,330 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था जबकि 934 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक परास्नातक में एमए अंग्रेजी की परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए 340 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा में 304 अभ्यर्थी शामिल हुए जबकि 36 अनुपस्थित रहे। सभी प्रवेश परीक्षाएं कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के निर्देशन में सकुशल संपन्न हुई। स्नातक की प्रवेश परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होकर 10 सितंबर तक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होंगी। परास्नातक प्रवेश की परीक्षाएं 26 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेंगी। काम कर रहे हैं सब।